नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉपर जोन में। आज हम पढ़ने वाले हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे DSSSB और जो भी हमारा HSSC है, और जितने भी हमारे एग्ज़ाम में जो पर्यायवाची के हमारे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर्यायवाची से रिलेटेड जो भी हैं, हम उन सबको आज डिस्कस करेंगे। तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची का मतलब होता है जो भी हमारे पास सिमिलर शब्द हैं, जिसका मीनिंग मिलता जुलता है, समानार्थक शब्द जो होते हैं उसको हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे कि अभी हमारे सामने बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, तो इनमें से हमारे को इनका मिलता जुलता यानी कि पर्यायवाची शब्द हमें बताना है कि इसका क्या हो सकता है। और आज अभी हमें इनमें से जो भी महत्वपूर्ण सवाल है उनको हमें आपस में डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा हमारे पास महत्वपूर्ण है सवाल। सबसे पहले असुर है, इसका पर्यायवाची होता है धनुष, तमीचर, राक्षस, निशाचर। और इनमें से हमें कम से कम दोस्तों आपको 3 से 4 याद करने हैं, ताकि हमें कोई एक आधा भूलता भी है तो हमें दिक्कत ना हो, हमें 2-3 और याद होने चाहिए। इससे अगला है आसमान, जो कि महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। इसका पर्यायवाची होता है आकाश, अनंत, अंतरिक्ष, उबर। इससे अगला हमारे पास है आँख, भी हमसे पूछा जा सकता है, चक्षु, नय। अगला हमारे से जो पूछा जा सकता है वो है कपड़ा, इसका है पर्यायवाची अंबर, चीर, पट। इससे अगला जो भी हमारे से पूछा जा सकता है इसमें है कृष्ण, जिसका उत्तर है मधुसूदन। पर्यायवाची जिसका है मधुसूदन, माधव, मुकुंद। गाय भी हमसे पूछा जा सकता है गौरी, भद्रा, धेनु, सुरभि। इससे अगला जो हमसे पूछा जा सकता है वो है चंद्रमा, शशि, निमचर, इंद्रु, विदु। इससे अगला जो हमसे पूछा जा सकता है आभूषण, इसका पर्यायवाची है अलंकार, आभरण, गहना। अगला जो हमसे पूछा जा सकता है वो है धरती, पृथ्वी, मोदिनी, वसुंधरा। और इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हमारे से पूछे गए हैं, इसका हम आपको उत्तर बताएंगे, और जो इनमें से इम्पोर्टेंट है वो भी हम आपको बता रहे हैं। इनकी तैयारी ज़रूर आप कर लें, ताकि आपको पर्यायवाची के टॉपिक में कोई भी तकलीफ़ ना आए। पावक है, इसका पर्यायवाची बताना है, इसका पर्यायवाची है ज्वाला। अगला अनल है, अनल का पर्यायवाची है आग। अगला पर्यायवाची है बहन, बहन का पर्यायवाची है कुष्णु। आनंद का पर्यायवाची है हर्ष। इंद्र का पर्यायवाची है देवराज। विष्णु का पर्यायवाची है चक्रधारी। अमृत का पर्यायवाची है पीयूष। अंक का पर्यायवाची है गोद। असुर का पर्यायवाची है राक्षस। अश्र का पर्यायवाची है आग। सर्प का पर्यायवाची है अश्र। अजा का पर्यायवाची है बकरी। अश्व का पर्यायवाची है घोड़ा। अंबर का पर्यायवाची है आकाश। पै का पर्यायवाची है दूध। अनंत का पर्यायवाची है आकाश। अधर का पर्यायवाची है होठ। अनार का पर्यायवाची है डाडिम। अली का पर्यायवाची है भ्रमर। प्रभाकर का पर्यायवाची है सूर्य। अवास का पर्यायवाची है ग्रह। आम्र का पर्यायवाची है रसाल। ईश्वर का पर्यायवाची है परमेश्वर। कनक का पर्यायवाची है स्वर्ण। नाग का पर्यायवाची है व्याल। सन्यासी का पर्यायवाची है भिक्षुक। कमल का पर्यायवाची है पुंडरीक। कर का पर्यायवाची है हाथ। तो दोस्तों, ये हमारे पास थे इम्पोर्टेंट जो भी हमारे पास पर्यायवाची थे। इस वीडियो को आप देख करके रिवाइज कर सकते हैं। और दोस्तों, हमने इससे पहले विलोम शब्द की भी हमने वीडियो बनाई है, तो उसको भी आपको अगर देखना है तो हम आई आइकन में डाल देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर लेटेस्ट वीडियोज़ जो आपको हमारी चाहिए तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।